अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैंने 12 फरवरी को जाना था इस्लामाबाद, ठीक है। वहाँ पे कोई काम था मुझे, तो दोस्त भी थे साथ, तो हमने कहा कि यार हम काम तो करेंगे ही साथ साथ, हम घूम फिर भी आएंगे कहीं पे। पहले हमने सोचा कहाँ जाए, तो एक लड़के ने जगह बताई, वो काफ़ी दूर थी। फिर मैंने कहा यार फैसलाबाद चलते हैं, वो तो वहाँ गए नहीं है पहले, तो पास भी है और जल्दी फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन फिर अपनी रूटीन जारी रखनी है। तो इसलिए तो वहाँ गए और अपने काम से फ्री हो गए। हम फैसल पास गए, पिम्स जो मेट्रो का स्टॉप होता है, 6 रोड पे हमें काम था मेट्रो के स्टॉप पे। फिर 6 रोड से बैठे हम और पिम्स उतरे जाके। पिम्स के बाद पिम्स से जो उतरे ना, हमें सेंटोरस उधर साथ ही था, तो उधर से फैसल पास नज़र भी आ रही थी। लेकिन फिर हमने कहा कि यार पास ये पैदल चलते हैं, जब पैदल चले तो ख़त्म ही ना हो सफ़र, पौना घंटा लग गया चलते चलते ना, उससे भी ज़्यादा बल्कि। तो चल चल के फिर मुश्किल से जाके वहाँ पे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी रावलपिंडी पे जो काम करने आए थे वो हो चुका है, और उसके बाद अभी निकले हैं सेंटर से, तो अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। उसके बाद हमने जाना है आज फैसल मार्स विज़िट करनी है, तो मैं पहली बार जाऊँगा, देखूँगा कि पहला कैसा लगता है। वहाँ पर नवाज शाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो पहली बार पढ़ के वहाँ पर देखूँगा कैसा लगता है नवाज। और अभी 6 रोड पर जा रहे हैं, तो यहाँ से मेट्रो थोड़ी दूर रह गया। अच्छा, तो अभी हम उतर चुके हैं मेट्रो के पिम्स स्टेशन में, और अभी जो यहाँ पे मैंने देखा, मुझे नहीं था पता कि पिम्स स्टेशन भाई सेंटोरस भी है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ से हम जाएंगे फायर स्टेशन के ऊपर। तो भाई लोग, हमने पार कर लिया मेट्रो का स्टेशन, और यानी टिकट मैंने वापस डाल दी है, और अभी जा रहा हूँ यार बाहर ना अंडरग्राउंड बेसमेंट से। अभी हैं हम बेसमेंट में मेट्रो स्टेशन के अंदर, जहाँ पे एलिवेटर भी लगा हुआ है। एलिवेटर मेरे ख्याल से बंद है, हाँ बंद है। तो वॉशरूम जाना, तो अभी हम लिफ्ट जा रही है ऊपर सीढ़ियों वाली, तो वहाँ पर जाएंगे यार। ओए तो मेट्रो से उतर के अभी हमने सड़क क्रॉस कर लिया, उसके बाद अभी हम अपने दोस्त को ढूंढेंगे फायज़ को, और उसे कॉल शेयर करेंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे सीधा फैसल मार्स की तरफ। जाते हुए आपको वो है असल में सेंटोरस की बिल्डिंग है पीछे नज़र आ रही होगी, तो मैं दिखा दूंगा थोड़ा सा सीन उसका, बाकी अभी हम चले हैं। ये है जी आपका सेंटोरस, जो कि मुझे भी नहीं था पता कि पिम्स स्टेशन पर आता है, और बाकी ओके गाइस। तो अभी हम सेंटोरस के बाहर खड़े हैं, और फायज़ जो मेरा दोस्त है और उसका वेट कर रहा हूँ, तो वो आएगा, तो फिर मेरे ख्याल ये मेट्रो की एक बस जा रही है बल्कि दो बार के, अभी मेरे ख्याल आ गया, ओके चार ही पहुँचा था 5 मिनट पहले उसने बोला था, तो अभी वो आएगा, तो फिर हम अगला प्लान करेंगे। फैसल मार्स जाना है, क्योंकि रास्ता उसको पता है, उसकी इधर फैमिली के रिलेटिव भी रहते हैं यहाँ पर, तो वो वाले फिर देखते हैं बाकी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फैसल मास्क, बड़ी अंतक मेहनत के बाद। हम 4 लड़के थे और जो है टांगे के सीट के सीट के यहाँ तक पहुँच गए हैं, बिल्कुल टांगों का बिल्कुल हलवा हो चुका है, और अभी जहाँ हमें पहुँचे हैं। तो मैं तो आते हुए इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि हमने पैदल वापस भी जाना है, तो शुक्र है कि हमें अड्डा नज़र आ गया, वहाँ से बैठेंगे अब जाते हुए, तो कुछ ना कुछ सुकून हो जाएगा। बहुत पैदल चले यार, कोई 10-12 किलोमीटर था, है ना, घंटे से ज़्यादा हम पैदल चले हैं, 10-12 किलोमीटर था पैदल चल के आए हैं। इतना तो मेरे ख्याल में लाइफ में नहीं चलाऊंगा, इतना आज चलाऊँ पैदल, दौड़ा तो हूँ इतना, चला नहीं हूँ। अब फैसल मार्स के अंदर चलते हैं, फिर अंदर के मनाजर आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, तो अभी जूते रखवाएंगे और फिर जाके नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, उसके बाद बाकी काम। तो भाई अभी रियलिटी में देखा जाए तो मसला ये है कि जूते जो है उनको ठिकाने लगाना भी मुश्किल पड़ी है, क्योंकि वो काउंटर वाला कह रहा है कि हमने रखना बंद कर दिए, तो अभी सिर्फ जो पड़े हुए हैं वो वापस कर रहे हैं। तो अभी जो है वापस इंडिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मिल जाए, उसके बाद जो है फिर चलेंगे जो नमाज की जगह वहाँ पे। तो ये है भाई, अभी अंदर आए, ये सीढ़ियाँ हैं उस तरफ, और ये दोबारा इस तरफ सीढ़ियाँ, ये बाहर सैन है, और ये इस तरफ शॉप्स हैं, कुछ इस तरफ शॉप्स हैं,
और भाई उस तरफ भी कुछ है, देखते हैं। कुछ है तो अभी जो है जूते हमने वही काउंटर पे रख दिए, जमा नहीं करवाए क्योंकि वहाँ पे रखें तो हिफाजत वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसी के हवाले नहीं किए होते अल्लाह के अलावा। तो वो लोग नमाज़ पढ़ें, हम भी वज़ू करते हैं, वज़ू की भी जगह है वो सामने। वो वज़ू की जगह है और ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ये सामने पूल है, वाटर शावर है। तो भाई अभी नमाज़ पढ़ लें फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। सब शूटिंग कर रहे हैं, ये भी देखें फाइज भाई शूटिंग कर रहे हैं, उसामा जो है सामा सिर्फ चिल कर जो आज व्लॉग बना रहे हैं, और ये फाइज भाई के कज़न है इस्लामाबाद वाले, और बाकी व्लॉग बना रहे हैं बस बन जाए सही आज। तो ये भी स्विमिंग पूल है पीछे मेरे, स्विमिंग पूल तो नहीं है यार, वो उसको बोलते हैं शावर है, तो हाल ही है जो भी। फाइज कहाँ पे पढ़े? ओके लोगों, तो ओके भाई लोग तो नमाज़ पढ़ लें फिर बाद में मिलते हैं। तो अभी वज़ू कर चुके हैं और नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद मास्क विज़िट करेंगे, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। अच्छा तो अभी नमाज़ पढ़ चुके हैं और अभी ऊपर से मास्क विज़िट करेंगे, आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद हम रवाना होंगे वापस अपने शहर चेहला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अब हम जो है वो नमाज अदा कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर के मनाजिर आपको दिखाएंगे, तो आइए चलते हैं। चलें शाबाश। फैज़ भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन के बारे में लगे हुए हैं, अभी थोड़ा मसरूफ़ हैं। आप क्या वो कहना चाहेंगे इस सफ़र के बारे में जो पैदल किया आपने? आज का सफ़र बेहतरीन है और ये यादगार एक ट्रिप सा हो गया, आए तो हम और मकसद के लिए इतने जल्दी तक प्रोग्राम। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे नमाज पढ़ी है धूप में, बस नमाजें सफ़र वाली जो नमाज़ होती है वही पढ़ी है, हाफ़ हाफ पढ़ी है नमाज़, यानी फ़र्ज चार से तो दो हमने अदा किए हैं। उसके बाद अब ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम, पूरी टाइल लगी है, वाइट कलर का मार्बल होता है ना वो कंप्लीट, बेहतरीन निज़ाम। और ये साइडों पे जो है टाइल्स की थोड़ी जगह है पानी आने के लिए। आ जाओ यार जल्दी करो, वापस भी जाना है। आपको ओए होए होए क्या सीन है ऊपर यार, कितने बड़ी खुली जगह यार ऊपर, तो माशाल्लाह बनाने वाली है इसने। सामा किधर गया? बनाई मेरी, मैं बोलूँ थोड़ा सा नीचे से, ऐसा लगता है छोटी होगी वैसे, लेकिन ऊपर आया तो ऐसा खुला सा काफी प्यारा लग रहा है यहाँ पे आगे। अब चारों तरफ देखेंगे हम विजिट करेंगे, उसके बाद आए तो हम ईरान, मैं ईरान हो गया हूँ, इतना बड़ा सा सुना था लेकिन देखा तो बड़ा मज़ा आ गया। यहाँ पे नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की सुन्नत था, और इसके बाद अभी हम विजिट करेंगे पूरा, हम छत में आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे पूरा। और मेरे पीछे देखिए इधर दिखाइए उस तरफ, मुझे दिखाना ये सेंट टॉरस है पीछे, दिखाता हूँ वो जो तीन आपको टावर नज़र आ रहे हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरफ आज एक अरसे बाद नहायत ही दिल मसरूर हो गया, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप देखें ये फैसल मस्जिद हमारे यहाँ दोनों की नमाज अदा की, ये इसके मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप आ सकते हैं। और देखा जाए तो नीचे आपको एक अच्छा स्विमिंग पूल भी नजर आएगा, देखते स्विमिंग भी है, स्विमिंग पूल कह लें कि बेसन है, फाउंटेन है। तो नमाज अदा की मार्गला कितना हसीन मंजर है, आप हज़रत मस्जिद थी तो ये मैं एड्रेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, मार्गला की पहाड़ियों का हसीन मंजर है। और आप देख रहे हैं मैं उसामा जवाद आज एक पेपर के सिलसिले में यहाँ पे आए थे, थोड़ा सा
और उस मोटिव के साथ हमने कोशिश की क्या यहाँ पहाड़ियों का विजिट किया, तो हमने बहुत अच्छा पाया इस जगह को, काफ़ी खूबसूरत है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है जहाँ की लगे वो आपको हुआ, हर मौसम में आपने आपको एक अच्छा एक अच्छी ताज़गी इस हुआ मिलेगी, एक महक का अंदाज़ बिल्कुल अंदाज़ा आपको मास के साथ जो पहाड़ है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पीछे पहाड़ देख के ऐसा लग रहा था जैसे बीच चमड़े ना मारे। अच्छा आप देखिए मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं उनका कलर जो है ग्रीन है और साइड पे जो है पहाड़ियाँ वो बिल्कुल कह लें ब्लैक कलर की हैं। हालांकि साथ साथ है पहाड़ ये लेकिन फिर भी इनके कलर डिफरेंस जो हैं वो वास्ट है। तो अभी देखते हैं आप उधर जहाँ पर रश है उस तरफ चलते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर क्या है। अंदर चलेंगे अंदर जाएँगे मास्क के देखेंगे क्या है। तो ये पीछे हाल है जब से हम ऊपर आए हैं सारा, उसके बाद हम वहाँ से भी ऊपर आ सकते थे लेकिन हमने कहा कि अंदर से पहले देख लें फिर उसके बाद चलेंगे वहाँ पे। तो चले अभी चलते हैं अंदर। वहाँ पे एक फायज भाई हुसैन जो है यहाँ पे, फायज भाई अपना व्लॉग बना रहे हैं, आए अंदर चलते हैं। फायज भाई अंदर चलते हैं। यस से समथिंग। अच्छा तो मैं सोच रहा था यहाँ पे की यहाँ पे ऊपर आकर लेगा धूप में इतना अच्छा लग रहा है जब बारिश होगी क्या इधर पानी ऐसे बह रहा होगा यहाँ पे। हाँ या वही तरफ ही रखना है यार। अच्छा अभी हम जा रहे हैं तस्वीरों वाली जगह देखने क्योंकि बाकी सब जगह दूर कोई तस्वीरें इतनी आ सकती है रोशनी के शेड में ना। गाँव वाली जगह थोड़ी टूटी है वहाँ पर जाते हैं। तो ये हमारा सेल्फी टाइम देख लो ना यार की कर रहे हो। अब हम सेल्फी बनाने लगे। भाई लोग छाओ फैसल मास में आने के लिए इतना चले आज इतना चले आज, अगर मेरे बूट नरम ना होते मुझे पाँव में छाले हो जाने थे सही बता रहा हूँ। क्या करूँ कसम से मैं इतना चला ही नहीं हूँ बट आई थिंक चलना चाहिए दौड़ना चाहिए। अभी आए हैं फैसल मास को देख के जितना चल के आए ना वो सब पैसे पूरे हो गया, कोई अब थकावट लग भी नहीं रही ठीक है। वजू करके नमाज पढ़ी है उसके बाद अब सुकून हो गया। तो अभी बस थोड़ा सा रह गया घूमने को फिर हम जाएंगे वापस इंशाल्लाह। अब छाँव वाली जगह में आ गए हैं यहाँ पे आके ना उधर उसके सामने तस्वीर बनाते हैं। ओके जी तो अभी वापस आ चुके हैं और आते हुए बहुत टाइम लगा क्योंकि फैज़ाबाद से बैठे थे पहली बार मैं वहाँ से बैठा और ऊपर से जो फैज़ाबाद वाली रोड है जो टीचो तक वो बन रही थी तो वहाँ पे रश वगैरह बहुत ज़्यादा था और इस वजह से बहुत ज़्यादा ना फंस गए थे हम वहाँ पे काफ़ी 3-4 घंटे लेट हो गए। 5 तकरीबन 6-4 बजे बैठा तो तकरीबन 10 बजे घर पहुँचा था 6 घंटे में। वैसे 2 घंटे का सफ़र उसमें 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे 2 घंटे वेट में और 2 घंटे वहाँ ट्रैफिक में चली भी लेट बात। तो बस शुक्र है घर आ गया। ओके जी आज इस व्लॉग में इतना ही है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।